तो दोस्तों राम मंदिर तैयार है, 22 तारीख को करोड़ों लोग वहां विजिट करेंगे और जहां लोग होते हैं वहां सिक्योरिटी पर सवाल उठता ही है। तो सवाल ये है कि क्या उन लोगों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो राम मंदिर की सिक्योरिटी में लगाई गई है? इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हम जानेंगे कि मंदिर में कौन कौन सी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, फिर हम जानेंगे कि एज अ पर्सन आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर हम जानेंगे मंदिर के नाम पे चल रहे स्कैम के बारे में। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए। सो लेट्स बिगिन। राम मंदिर की सिक्योरिटी के लिए वैसे तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 11,000 लोगों की डिफेंस फोर्स मौजूद है, पर हम यहाँ साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो बता दूं, ना जाने इस वक्त कितने ड्रोन्स मंदिर के सर्वेलांस के लिए मौजूद है, और ये कोई नॉर्मल ड्रोन्स नहीं है, इन ड्रोन्स पे लगी है AI टेक्नोलॉजी। नॉर्मल ड्रोन सिर्फ ऊपर से वीडियो बनाते हैं, पर ये ड्रोन्स एक्सप्लोसिव भी डिटेक्ट कर सकते हैं और हिडन लैंडमाइन भी। अब सिक्योरिटी की बात हो रही है तो CCTV कैमरे को कैसे भूला जा सकता है? तो बता दूं, इस वक्त अयोध्या में 10,000 CCTV कैमरे कोने कोने में लगाए गए हैं, और ड्रोन की तरह ही ये भी कोई नॉर्मल कैमरे नहीं है, ये भी AI जनरेटेड है। गवर्नमेंट ने AI बेस्ड एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम जार्विस है, वो इन CCTV कैमरे में इंस्टॉल करवाया है, और ये मेड इन इंडिया है, अपने गुड़गांव में बनाया। UP पुलिस के साथ कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट ने 8,00,000 क्रिमिनल्स का डेटा संभाल के रखा है। इसका मतलब उनमें से जो भी इन CCTV कैमरे की नजर में आ गया, ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर उसे पकड़ लेगा। इन CCTV में एडवांस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR कैपेबिलिटीज मौजूद है, जो आने जाने वाली व्हीकल्स की नंबर प्लेट देखते ही सीधा उनका रजिस्ट्रेशन चेक करती है, इंक्लूडिंग आज तक की चोरी की गई सारी गाड़ियां। आप भी जब अयोध्या विजिट करेंगे तो ये CCTV आपका भी फेस रिकॉग्नाइज और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप अकेले हो, ग्रुप में हो, क्या कर रहे हो, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, ये सब देखेंगे। अयोध्या के SP सर से जब पूछा गया कि टेक्नोलॉजी तो बोल रहे हो पर वो है क्या, तो जवाब आया वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है, समझ जाओ। उन्होंने तो बताया नहीं, पर मैं गेस करके बताता हूँ, शायद वो बात कर रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम की। दोस्तों इस वक्त अयोध्या में वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस इजरायली मेड एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है। वैसे तो अभी वहाँ ड्रोन उड़ाना ही इलीगल है, पर अगर कोई उड़ाता भी है तो उड़ेगा तो वो उसकी मर्जी से, उड़ेगा तो वो उसी के रिमोट से, पर वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि ये एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन को अपने कब्जे में ले सकता है, यानी कि हैक कर सकता है। अब अगर रोड सेफ्टी की बात की जाए तो जो मेन गेट है उनके नीचे अंडर व्हीकल स्कैनर लगाया गया है। सिंपल भाषा में कहूँ तो गेट के नीचे एक स्कैनर लगाया गया है जो आती जाती गाड़ियों को स्कैन करता है, जिससे पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर क्या है। इट्स लाइक अ एक्सरे मशीन, जिससे बूम बैरियर, बोलार्ड और टायर किलर एक्टिवेट हो जाता है और गाड़ी वहीं रोक दी जाती है। अब आता है वीडियो का दूसरा हिस्सा, जो कि है प्रिवेंशन। आपको वहां या ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाके किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका डेटा सेफ रहे। पहला पॉइंट है डोंट यूज पब्लिक वाईफाई। मानो आप वहां घूम रहे हो और आपको नेट की जरूरत पड़ती है, और आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई भी वाईफाई उठा के कनेक्ट कर लेते हो, जानते हो उसका नतीजा क्या हो सकता है? आपका डेटा उसी वाईफाई में जिसमें आपने कनेक्ट किया है चोरी हो सकता है, अगर सामने वाला हैकर है। तो यार मेरे हिसाब से तो किसी भी पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हैकर कई बार अपने हॉटस्पॉट का नाम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, ऐसा कुछ जेन्युइन नाम रख लेते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये जेन्युइन वाईफाई है और लोग उसे कनेक्ट कर लेते हैं और फंस जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है डोंट यूज पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। जब भी आप किसी पब्लिक स्टेशन में अपना फोन चार्ज पे लगाते हैं, हो सकता है कि वो स्लॉट आपको चार्ज देने के लिए नहीं, आपका डेटा चोरी करने के लिए बनाया गया हो। वो स्लॉट कहाँ कनेक्ट होता है, उसके पीछे कौन है, आपको नहीं पता। हैकिंग की दुनिया में इसी को कहते हैं जूस जैकिंग टेक्निक, जिसमें वो स्लॉट आपके फोन का पूरा जूस निकाल लेता है। तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मैक्सिमम टाइम अवॉइड करें। अब आता है वीडियो का तीसरा पार्ट, जो कि है स्कैम। दोस्तों स्कैमर को किसी से मतलब नहीं है, वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे करना चाहिए या यहाँ पे नहीं करना चाहिए, उन्हें बस पैसे कमाने से मतलब है। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन तो अभी हुआ भी नहीं, स्कैम पहले होने लग गए। आज के टाइम पे राम मंदिर फंड्स के नाम से सोशल मीडिया में ना जाने कितने अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। ये अकाउंट राम मंदिर के चंदे के नाम पे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। ये सारे अकाउंट फेक है, क्योंकि अभी तक राम मंदिर के नाम से कोई भी जेन्युइन साइट डिक्लेयर नहीं की गई है जो लोगों से चंदा इकट्ठा करके वहां डोनेशन करे। तो ऐसे ऑनलाइन दान ना दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप स्कैमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आपको ये बात पता है तो घर के बाकी बड़े लोगों को या अपने भाई बंधुओं को ये बात जरूर शेयर करें, ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी को राम मंदिर की शुभकामनाएं, मुझे भी दे दो यार, मुझे भी जरूरत है। बाकी सायोनारा और
बाय।